नमस्कार, देख रहे हैं आप बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी बहस में आज बात करेंगे कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में ठुमकों की। जी हाँ, तो ये ठुमके लगाती बालाएं और ये तमाम डांस का लुत्फ लेते हुए लोग ये आए हैं कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में। अब सवाल ये है कि ये जनाक्रोश रैली है या फिर ठुमकों का मंच। सवाल बहुत सारे हैं, पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ठुमकों की धमक में गुम हुई आमजन की आवाज, जनाक्रोश की आग पर डांसरों ने डाला पानी। जनाक्रोश रैली या ठुमकों का मंच, ये ठुमके लगाती बालाएं, ये डांस करते लोग, ये मंच कोई आम मंच नहीं है बल्कि कांग्रेस की जनाक्रोश रैली का नजारा है। रेवाड़ी के बावल में कांग्रेस ने अपनी रैली में भीड़ को इकट्ठा करने के लिए बेहद खास इंतजाम किए थे। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग उमड़े, इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला डांसरों को बुलाया जिन्होंने मंच की खूब शोभा बढ़ाई। दरअसल कांग्रेस प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली कर रही है। इसी कड़ी में अगला पड़ाव रेवाड़ी में पड़ा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को भीड़ की चकाचौंध दिखाने के लिए महिला डांसरों का सहारा लिया, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि भीड़ को रिझाने के लिए जिस मंच पर महिला डांसर ठुमके लगा रही थी, उसी मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, विधायक दल की नेता किरण चौधरी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को भी बैठना था। यानी कि मतलब साफ था कि लोगों में बीजेपी के लिए आक्रोश हो या ना हो, लेकिन भीड़ को रैली में बुलाने के लिए कांग्रेस डांसरों को खूब नचा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कहीं से आपको ये जनाक्रोश रैली नजर आ रही थी या फिर ऐसा लग रहा था कि कोई कार्यक्रम चल रहा हो जहां पर इस तरह के डांसर्स को बुलाया गया और उनका जमकर लुत्फ, और वो भी तब ऐसे मंझे हुए नेताओं की मौजूदगी में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं, एक महिला नेत्री खुद वहां पर मौजूद है, किरण चौधरी वहां पर मंच पर आने वाली थी, इसके अलावा कैप्टन अजय यादव जैसे दिग्गज चेहरे कांग्रेस के वो वहां पर मौजूद थे। अब सवाल ये है कि क्या इस तरीके से जनता का आक्रोश बाहर निकलेगा या इस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश, अब यही आखिरी पैतरा रह गया है क्या? और अगर जन आक्रोश रैली है तो इसमें इस तरह के डांस की क्या जरूरत है? बहुत सारे अहम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर जी। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले को आप कैसे देख रही हैं। कहने को तो जन आक्रोश रैली थी जहां पर जनता के अंदर अगर भड़ास है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के प्रति, उसको निकालने की ये कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश तो किसी और दिशा में जा रही थी। मैं इसको रेनू जन आक्रोश
आक्रोश नहीं कहूंगी मैं इसको, एंटरटेनमेंट रैली कहूंगी, क्योंकि लोग इसको इसमें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और लोग यहाँ नाचते भी नजर आ रहे हैं, तो ये शर्म की बात है कि हम मुद्दा कुछ और उठाते हैं और वहाँ पे लड़कियों को नचाकर और भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। ये एक अहम मुद्दा हरियाणा में तो खासतौर पर है, क्योंकि लोग वैसे तो आते नहीं, लेकिन इस तरीके से लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं, उनको किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है पब्लिक एट लार्ज को, वो सिर्फ ये देखने आते हैं कौन नाच रहा है और कैसे नाच रहा है। तो ये नेताओं पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की रैली करते हैं और उनके मंशा क्या है, वो किस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल करके भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, मैं कहूंगी कि आप मुद्दा कुछ लेके चले और आपने वहां एंटरटेनमेंट रैली को एक एंटरटेनमेंट रैली उसको बना दिया, तो ये नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हम कितने सीरियस हैं मैटर्स को लेके, या हम मुद्दों को लेके कितने सीरियस हैं, हम क्या जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और हम क्या परोस रहे हैं। तो ऐसी रैलीज का मैं समझती हूँ कोई फायदा नहीं है, और सरकार जो कांग्रेस है कम से कम उनकी जो आज माड़ी हालत है उसको सोच के समझ के आगे मुद्दों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा विपक्ष है जो अगर मुद्दे उठा सकता है तो कहीं ना कहीं वो 2019 में अपना आईना लोगों को दिखा सकता है। इस तरह की रैली से मैं समझती हूँ कोई फायदा नहीं है। चलिए लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से इस रैली का आयोजन किया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन जो दृश्य सामने आया उसने वाकई कई सवाल खड़े कर दिए कि ये जन आक्रोश रैली है या फिर ठुमकों की रैली है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिन बावल में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, विधायक दल के नेता किरण चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर मौजूद थे। वहां कहा तो ये जा रहा था कि जन आक्रोश रैली में लोगों की जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा, लेकिन रैली में आक्रोश की जगह मात्र जो है लड़कियों के ठुमके ही देखने को, महिलाओं के ठुमके ही देखने को मिले। लोग नेताओं की देखने या सुनने के बजाय जो नृत्य कर रही थी लड़कियां, उनको देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे। नेता जब बीच में मंच पर पत्रकारों से मुखातिब थे, तभी भी होटिंग होने लग गई कि उन्हें जो है ये जो नृत्य है वो दिखाया जाए। जी, तो कुल मिलाकर ये लगा कि आक्रोश की जगह, आक्रोश रैली की जगह ये एक जो है ठुमके वाली रैली थी। अच्छा सुरेंद्र, आपकी कांग्रेस के नेताओं से बात हो पाई क्या? जैसा आप कह रहे हैं कि वो खुद ही हुटिंग का शिकार हो गए, तो क्या उनसे बातचीत में ये लगा कि हाँ उन्होंने इस तरह की रैली का आयोजन करके या इस तरह के डांसर्स को बुला के खुद गलती की, क्योंकि उन्हें जनता से सीधे मुखातिब होना चाहिए था और बीच में इतना बड़ा बैरियर उन्होंने खुद लगा दिया? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो नेताओं की, तो उन्होंने जो है कैमरे पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड ये जरूर माना कि उनसे जो है आयोजक से ये गलती होगी कि उसने इस तरीके के आयोजन नहीं करने चाहिए थे। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़े थे। पूनम जी, आपने सुना हमारे संवाददाता भी ये कह रहे थे कि हूटिंग भी शुरू हो गई और खुद उन लोगों ने माना कि जिस जो आयोजक था उसने ये गलती की है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की गलतियां अक्सर दोहराई जाती है, महिलाओं को महज एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा जाता है, राजनीति में सीरियस बातें भी होती हैं, पर महिलाओं का वहां पर कभी उतना वो वैसा कद दिखाई नहीं देता। किरण चौधरी जैसी नेता भी वहां पर मौजूद थी, यहां तक कि उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि इसका सहारा लेकर वो भी भीड़ जुटाने और रुझाने में लग गई। मैं रेनू हरियाणा की राजनीति की बात करती हूँ, यहाँ पे महिलाओं को जो स्टेटस मिलना चाहिए राजनीति में नहीं मिलता, और कमाल की बात है जो महिलाएं हैं भी राजनीति में वो भी ये कोशिश नहीं करती कि महिलाएं जुड़े, वो कोशिश ये करती हैं कि महिलाओं की भीड़ तो आए परंतु वो उस स्टेटस तक ना पहुंच पाए जहाँ पे उनको पहुंचना चाहिए। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाहती हैं राजनीति में जाएं, अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, लेकिन कोई मतलब उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो लोग जहाँ पे हैं वो वहीं पे हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की नज़रअंदाजी राजनीति में होती है, और अगर होती भी है, अगर उनको पूछा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका मिसयूज़ होता है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जबकि आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, काम करना चाहती हैं, राजनीति से जुड़ना चाहती हैं, राजनीति मच एक ऐसा होता है जहाँ पे महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं, अगर
मतलब चाह जाए तो, लेकिन मैं नहीं समझती, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे इनेलो की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, कोई भी पार्टी है वो कोशिश नहीं करती कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, उनको मंच दिया जाए। कोशिश यही होती है कि उनके साथ ठुमका लगवा लिया जाए, उनको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या उनको भीड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस रैली में आप देखिए, सिवाय नाचने वाली जो लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं, उनके अलावा मुझे कोई महिला नजर नहीं आती, या किरण चोपड़ा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि महिलाओं का योगदान राजनीति में, जो कि हम कहते आ रहे हैं 33% होना चाहिए, वो कहीं भी नजर नहीं आता। मुश्किल से हार्डली 5% या 4% महिला होंगी जो राजनीति में होंगी, और वो भी किसी रसूख से होंगी। तो राजनीति में महिलाओं को जहां तक पहुंचाना चाहिए, कोई भी सरकार कोशिश नहीं करती, और ये विडंबना का विषय है कि हम लोग महिलाओं को ऊपर ले जाना नहीं चाहते, और डेलिब्रेटली नहीं ले जाना चाहते। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे पास साथ इस कार्यक्रम के आयोजक जवाहरलाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जवाहरलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम। जवाहरलाल जी, जो जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, ये इस रैली का औचित्य क्या था, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि जन आक्रोश रैली नाम तो दे दिया गया कि जनता में जो आक्रोश है वो यहाँ पर बाहर निकले और कांग्रेस उसको भुना सके, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डांसर्स नृत्य कर रही थी, ठुमके लगा रही थी, कहीं से ये जन आक्रोश रैली नजर नहीं आ रही थी? मैडम, ये डांसर ठुमके नहीं थे, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हमें, ये विपक्ष की एक चाल है, इसमें देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे। अब उस देशभक्ति के गीतों को उन्होंने क्या रूप दिया है वो हमें नहीं पता। बाकी जनता के अंदर इतना आक्रोश था, फैक्ट्रियों के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 5-5 हजार रुपए के अंदर कंपनियों लोकल आदमी को बिल्कुल भी काम नहीं दे पा रही है। जवाहरलाल जी, किस तरह के देशभक्ति के गीत थे, हम आपको सुनवा दें? मैडम देखो, मैं तो स्टेज पे साइड में था जी, ना मुझे पता पीछे से क्या हुआ रैली तो के बाद। फिर आपने ये कैसे कहा कि देशभक्ति के गीत बज रहे थे और उस पर नृत्य हो रहे थे? देशभक्ति के गीतों पर इस तरह के अश्लील नृत्य होते हैं क्या? मैडम, देशभक्ति के गीत तो मेरे आगे ही हो रहे थे, ये तो अगर उसके बाद हमारा रैली का कार्यक्रम खत्म हो गया, पीछे से क्या हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं पता। ये तो कार्यक्रम के दौरान था सब कुछ, आपकी जिम्मेदारी पूरे आयोजन की थी, शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक कि पूरा मंच खाली ना हो जाए, लोग वहां से चले ना जाएं, आयोजक की जिम्मेदारी होती है ना। अगर आप वहां पर मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में कुछ भी होता रहे। नहीं, उस टाइम में कोई मतलब काम नहीं हो रहा था, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे, अब हमें नहीं पता पीछे से हमारे जाने के बाद प्रोग्राम के बाद क्या हुआ क्या नहीं। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस कार्यक्रम को लेकर? नहीं, जिम्मेवारी हमारी बनती है सारा, जब प्रोग्राम हम करवा रहे हैं। मैं आपको सुनवा देती हूँ किस तरीके के गीत वहाँ पर बज रहे थे, एक बार आपकी भी बातों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जरा गीत सुनवाइए। जवाहर जी, सुना आपने? मैडम ये तो आवाज आ रही है, ये क्या हो पीछे से क्या पता जी, दुश्मनों की विपक्ष की चालो, कलाकारों को पैसे जवाहर जी, किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? या तो हमें नहीं पता किस तरीके की बात कर रहे हैं आप, या तो आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, या तो सीधे सीधे अपनी गलती मान लीजिए। इस तरह की बेसिर पैर की बातें मत करिए जवाहर जी, इस तरह की बेसिर पैर की बातें मत कीजिए। या तो अपनी गलती आप मान लीजिए, या तो आप अपनी गलती मान लीजिए। इसमें विपक्ष की चाल कहाँ से हो गई? गलती नहीं करी विपक्ष की, हमारे कार्यक्रम इतना बढ़िया, विपक्ष में तो कांग्रेस ही है, विपक्ष में तो कांग्रेस ही है। इनेलो की चाल हो सकती है, बीजेपी की चाल हो सकती है, आयोजन आपने किया, डांसर्स आपने बुलाए, और उसमें बीजेपी और इनेलो की चाल हो गई। मैं बताऊं, आप ये देखिए, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे मंत्री हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मंत्री हैं, मैं दो दो बार रिक्वेस्ट करने के बाद परमिशन नहीं दे पा रही, विपक्ष की चाल नहीं है तो क्या है? 18 तारीख को मुझे परमिशन डीसी साहब ने दी है, तो ये चाल नहीं है तो और क्या है? हमें परमिशन की इजाजत नहीं दी जा रही, 20 तारीख की भी आगे करे लिए उसके लिए तो परमिशन मिल जाती है, अच्छा ठीक है, उसकी नहीं मिलती। आप क्या कहना चाहते हैं जवाहर जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके पास इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए कम समय था, इसलिए डांसर्स का सहारा लिया गया? नहीं, हमने कोई डांसर कोई नहीं थी, ये तो हमारे देशभक्ति के कलाकार थे, हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं था, ये तो विपक्ष ने पैसे दे के मामला बाद में खराब करवाने की कोशिश करी होगी,
हमें नहीं पता पीछे से क्या हुआ, हमारा बढ़िया तरीके से। जवाहर जी बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह की जवाब दे रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करने में कोई अच्छाई है, या फिर मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपकी बेसिर पैर की बातों का जवाब दे सकूं। शुक्रिया फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन क्या कहें, इस तरह के आयोजक जब हों और जिन्हें औचित्य का पता नहीं, महत्व का पता नहीं, जिन्हें कार्यक्रम का ही पता नहीं है कि उनके पीछे क्या हो रहा है, उनके आगे क्या हो रहा है, तो इस तरह के सवाल पूछना भी बेतुका सा लगता है। कुछ कहना चाहेंगे आप पूनम जी? मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए बेतुकी बातें, क्योंकि आयोजक हैं और आयोजक को तो सारा प्रोग्राम पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और खासतौर पे ये बात देखिए, आक्रोश रैली आप कर रहे हैं, वहाँ पे महिला का डांस होना बहुत ज़रूरी नहीं था, इसका मतलब आपके पास लोग नहीं थे, इसका मतलब आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आपने कोशिश करी कि महिलाओं को एंटरटेनमेंट के तौर पर उतारा जाए, उनको देखने के लिए लोग आए तो हम अपनी बात रख सकें। तो कहीं ना कहीं मैं ये इस रैली को फेलियर मानती हूँ, कांग्रेस अपना काम नहीं कर पा रही, विपक्ष के में होने के बावजूद भी वो कुछ जो रोल उनको अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, और इसीलिए ये जो रिजल्ट हैं जो इन्होंने 2014 में देखे वो मिले, हो सकता है 2019 में भी इनको यही फेस करना पड़े। चलिए पूनम जी लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौटते हैं। जी तो ये जन आक्रोश रैली का नजारा है जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है जो कि बावल में की गई, और इस दौरान जमकर डांसर्स से ठुमके लगवाए गए। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक जुड़े हुए थे जो बिना सिर पैर की बातें कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि ये विपक्ष की चाल है, मेरे पीछे से क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और देशभक्ति के गीतों पर ये तमाम डांसर्स डांस कर रहे थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए और खुद ही इन तमाम गीतों के बोल आप समझ सकते हैं, मुझसे बेहतर समझ सकते हैं आप, क्योंकि चूंकि आप स्थानीय हैं आप जानते होंगे कि इस तरह के डांसर्स जो है इस तरह के ठुमके किस तरह के गानों पर लगाते हैं, और क्या ये देशभक्ति के गीत थे, तय आपने कर लिया होगा उम्मीद यही है। लेकिन सवाल यही कि जब एक रैली का आयोजन किया जाता है, जब जनता से जुड़ने की बात आती है, भीड़ जुटाने की बात आती है, तो क्या तमाम मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं और सिर्फ एक ही इनका एजेंडा रह जाता है या एक ही विकल्प इनके पास रह जाता है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूनम भटनागर जी लगातार जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, सवाल ये भी कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहाँ पर भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो मुद्दे अब राजनीति में बिल्कुल गौण हो गए हैं? क्या ये वक्त आ गया है कि अब भीड़ जुटाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट के तौर पर आप एंटरटेनमेंट पेश करेंगे, महिलाओं को पेश करेंगे, नृत्य करवाएंगे, अश्लील ठुमके, तमाम मुद्दे गौण हो गए हैं, हाशिए पर चले गए? देखिए रेनू, जो जनता है वो समझ चुकी है कि क्या कांग्रेस है, क्या बीजेपी है, क्या इनेलो है, क्योंकि इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। मैं क्योंकि ये रैली जो करते हैं ये सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं आपस में कि आज भी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं। कोई गरीब मरता है इनके लिए मर जाए, कोई किसी का नुकसान होता है हो जाए, मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज जनता इस बात को समझ गई है कि ये सिर्फ हमें यूज़ करते हैं, हमारा इस्तेमाल होता है, बाकी हमारे लिए कोई भी सीरियस नहीं है। इसीलिए भीड़ जुटाना आज की तारीख में रैली में बहुत मुश्किल हो गया। ये जो भीड़ आप देख रही हैं ये सिर्फ डांस के लिए लोग आए हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। वो आक्रोश रैली क्या थी, क्या मुद्दे थे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था, उनको पता है कुछ होना नहीं, ये लोग सब बोल के चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन पब्लिक पागल नहीं है, अब वो समझती है कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमें सरकार से क्या लेना है, हमें पार्टियों से क्या लेना है। तो आज इसीलिए हर पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि अब पब्लिक समझदार हो गई है, अब वो बिकती नहीं है। चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष चरण भंडारी फोन लाइन पर जुड़ गए। भंडारी साहब आवाज मिल रही है? भंडारी साहब बात कर रहे हैं जन आक्रोश रैली की, रेवाड़ी के बावल में ये हुआ था जहां पर अपनी रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस को लोगों की जरूरत है, और ये भीड़ किसके जरिए जुटाई गई हम आपको वो भी बता देते हैं, या शायद आपको जानकारी भी होगी। महिला डांसर्स का इस्तेमाल किया गया, नृत्य अश्लील वहां पर करवाए गए, ठुमके लगवाए गए, और बाद में जनता हूटिंग भी करने लगी। जब तमाम नेता आपके मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि हमें आपका भाषण नहीं सुनना बल्कि हमें नृत्य देखना है, डांस देखना है। सवाल ये है कि क्या इस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रही है कांग्रेस?
वैसे आपकी बड़ी करारी खबर बन गई है जी, क्योंकि आपको इसी तरह का मसाला चाहिए है ना। मसाले आप देते हैं भंडारी साहब, मसाले आप जैसे पार्टी के लोग देते हैं, ये मसाला आपके लिए है, मसाला आपने जनता के सामने परोसा है। मुद्दों के साथ अगर आप जाते तो शायद वो खबर ज्यादा बड़ी बनती, बल्कि आप लोग निम्नतम स्तर पर गिर कर इस तरह का मसाला तैयार करते हैं। आप मीडिया पर आक्षेप करने की कोशिश मत कीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बात पूरी नहीं होने दी जाएगी। भंडारी साहब सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, इस मसाले की जरूरत आपकी पार्टी को है, जो साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर, मीडिया को इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो पहले से ही तीर और कमान लेकर तैयार थे और मीडिया पर ही आक्षेप करने की कोशिश भंडारी साहब की, और फोन भी काट दिया क्योंकि उनके पास इस पूरे बातों का जवाब नहीं था। पूनम जी आपके पास लौटना चाहूंगी, क्या वाकई इनके पास कोई जवाब नहीं था जिस तरीके का की मुद्रा लेकर और बातें लेकर हाजिर हुए थे चरण भंडारी? बिल्कुल, इनके पास कोई जवाब नहीं था। कारण ये था कि आपके पास विजुअल्स हैं, आप सब कुछ दिखा रहे हैं और ये इस चीज से मुकर नहीं सकते कि वहां पे डांसेस हुए और किस तरह के गाने हुए, तो इन्होंने सोचा कि इससे भाग जाना ही उचित है, क्योंकि इस समय ये जो कुछ भी बोलते शायद ये एक और मुद्दा बन जाता। और इस समय कांग्रेस की हालत जो है वो बहुत खराब है, इनको फूक फूक के कदम रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं रख पा रहे हैं, ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इसीलिए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। या ये आप लोगों को एलिगेट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये गलत बात है, इनको जवाब देना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई। गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, आगे उसको सुधार सकते थे, परंतु ये नहीं सुधारेंगे क्योंकि इनके खून में ये बातें नहीं है, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती। रेनू जी चलिए लौटेंगे आपके पास। निशांत सिंह हमारे साथ ही नैलो से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही। निशांत सिंह जी, रेवाड़ी के बावल में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली थी, शायद आपने तस्वीरें भी देखी होंगी और आपको पूरा घटनाक्रम पता ही होगा। लोगों को इकट्ठा करने के लिए जमकर यहां पर डांसर्स के ठुमके लगवाए गए और जब कांग्रेस के नेता मंच पर पहुंचे भाषण देने के लिए तो हूटिंग उन पर शुरू हो गई कि भाई हमें आपका भाषण नहीं सुनना है बल्कि हमें ये डांस देखना है। इस तरह के कार्यक्रम का क्या औचित्य आप समझ रहे हैं? हमारे साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष जुड़े हुए थे चरण भंडारी, लेकिन उन्होंने जवाब जिस तरीके से दिया या उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, उन्होंने बीच में ही फोन काट दिया। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, क्या अब यही मुद्दे रह गए हैं, क्या अब इसी तरीके से पब्लिसिटी की जाएगी, भीड़ जुटाने की कोशिश की जाएगी? देखिए भंडारी जी की बात तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन जब किसी राजनीतिक दल की जमीन खिस जाती है तो फिर वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए ऐसे सारे लिए जाते हैं। ये फुहर डांस और इस तरीके का जो मटीरियल परोसा जा रहा है हमारे समाज के आगे, हमारे बच्चों के आगे, मैं समझता हूँ कि वो लोग देश विरोधी है, समाज विरोधी है, तो ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो किसी को फिल्म आई थी को उसके सुप्रिया क्या नाम एक्ट्रेस का, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है इसी बात को लेकर के कि हम एक अश्लीलता ऐसी पोसने जा रहे हैं अपने समाज में अपने बच्चों। क्राइम तो पहले ही बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल क्राइम इतना हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये राजनीतिक पार्टियां, इतनी जिम्मेवार पार्टी जो पूरे देश के अंदर राज कर चुकी है, उनके लोग इस तरीके से सारा लेंगे ऐसी चीजों का लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो उसी को सुनना चाहेगी ऑडियंस, तो ऑडियंस इनकी बात क्यों सुनना चाहेगी? तो निंदा करनी चाहिए ऐसी चीज की सभी लोगों को, राजनीति के ऊपर उठ करके भी मैं मानता हूँ कि हमें इन चीजों को कंडेम करना चाहिए कि जो राजनीतिक लोग ऐसा सहारा लेते हैं इन चीजों का, समाज के लिए क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आते हैं वो कितने बुरे आते हैं, वो सबके लिए घातक। तो मैं तो देखो इसकी निंदा करता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस की जनाक्रोश रैली जिसमें भीड़ जुटाने का सहारा किस तरीके से लिया गया डांसर्स के जरिए, ये आपने देखा, और कोई जवाब नहीं, ना आयोजक के पास कोई जवाब है, ना ही कांग्रेस के पास कोई जवाब है, जवाब देने से हर बार बचा ही गया है। पूनम जी बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी तमाम बातों को साझा किया। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, नमस्कार।